बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गाजीपुर के चर्चित उत्तरी चट्टी कांड में मुख्तार की गवाही कल होनी है। स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट गाजीपुर में होगी गवाही। मुख्तार अंसारी और माफिया ब्रजेश सिंह का आमना सामना होगा। आपको बता दें कि साल 2001 में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था और जानलेवा हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी ने इस मामले में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने के उसरी चट्टी में ये घटना हुई थी। बांदा जेल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बंद है। बांदा जेल से गाजीपुर मुख्तार अंसारी को गवाही के लिए ले जाना है। मुख्तार अंसारी को कोर्ट में गवाही के लिए ले जाना सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ी चुनौती रहने वाली है, जबकि उसरी चट्टी कांड में माफिया ब्रजेश सिंह अभियुक्त हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर मेरठ से, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। घर में अंगीठी जलाकर सोए पूरे परिवार की मौत की खबर है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। पत्नी और मासूम बच्ची ने जरान दम तोड़ दिया। नेपाल का ये परिवार रहने वाला बताया जा रहा है। मामला है और बताया जा रहा है कि घर में अंगीठी जलाकर ये पूरा परिवार सोया हुआ था और ऑक्सीजन की कमी के चलते तीनों लोगों ने दम तोड़ दिया। नेपाल का रहने वाला ये परिवार है, जिसमें पति पत्नी और एक 4 साल की मासूम बच्ची शामिल है, जिनकी मौत हो गई है। मेरठ का मामला, ये दर्दनाक हादसा टीपी नगर थाना क्षेत्र में पेश आया है, जहां पर घर में अंगीठी जलाकर पूरा परिवार सोया हुआ था, लेकिन जब अगले दिन उठे तो तीनों की लाश मिली। ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। और अगली खबर हाथरस से है, जहां हाथरस में भीषण सड़क हादसा पेश आया है। बोलेरो और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई है। बोलेरो सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तीनों घायल अलीगढ़ मेडिकल के लिए इन्हें रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर हाथरस से, जहां 3 लोगों के घायल होने की खबर। भीषण सड़क हादसा हुआ है, जो घायल है उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बोलेरो और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हुई। कोतवाली मुरसान क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां मथुरा बरेली मार्ग पर एक बोलेरो खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई। सड़क हादसे में बोलेरो सवार 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं अस्पताल में, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए भेजा है, साथ ही 3 के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बस्ती में सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। एक महिला पर फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी लेने का आरोप लगा है। महिला गणेशपुर आयुर्वेदिक अस्पताल में बतौर योग प्रशिक्षिका के पद पर तैनात है। दरअसल शिकायतकर्ता राजेश पांडे की शिकायत पर मामले में जांच की गई, जहां सभी दस्तावेज गलत पाए गए। तो मामले में क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी डॉक्टर विजय श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में जल्द दीपिका की बर्खास्तगी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि नोटिस भेजा है और उनके जवाब के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो फर्जीवाड़ा करके नौकरी लेने का ये पूरा खुलासा हुआ है। आरोपी महिला की जल्द छुट्टी हो सकती है। आरोपी महिला को अभी नोटिस भेजा गया है और नोटिस का जवाब देने के बाद महिला पर कार्रवाई हो सकती है, जिस पर माना जा रहा है कि बर्खास्तगी भी इस महिला की हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।